Before we begin, can we please make some noise for the star cast, everybody? Okay, so here we go. So a very warm welcome to everyone in Delhi for the V-Day Wedding Conference. So we start with Kareena. Kareena, how was it being back on set and working with these talented actors? I think it was great. It was a great experience working with Sonam, Swara, Shikha, all of them. Ria as the producer, I think it's just been absolutely amazing. And yeah, I'm just happy to be a part of a film which has a different language. It's a first time for me, so I'm very, very excited to see the reaction of what my fans would think. I'm sure they'll love it. Thank you. Sonam, the next one is for you. First of all, congratulations on your wedding. And so we've been seeing in the trailer that we see you all using those cuss words. So when you heard the script, what was your reaction? Using them or just the cuss? I think ये दिल्ली की लड़कियाँ हैं, दिल्ली या बॉम्बे की जो भी हम लड़कियाँ हैं, हम colloquially ऐसे बात करते हैं. I didn't think much of it. I didn't know that men are going to react like that, that women are cussing. जब वो cuss करते हैं, हम लोग ऐसे react नहीं करते. तो I didn't think of it. मैंने सोचा भी नहीं कि यार I'm using a cuss word. मैंने सोचा कि यार क्या अच्छी script है, अच्छे dialogues हैं, बहुत मजा आएगा ये करने में. I didn't think of all of that. All right, so the next one is for you. So we've been seeing everywhere #, I'm not a chick flick. What is it all about? Hey, kya basically? I think ki basically chick flick ek ajeeb si category hai jisme koi bhi aisi kahani jisme mahila kirdar kendra mein hai usko chick flick ya women centric film bana bol diya jata hai. Kya hum kabhi bhi 100 saal se filmein ban rahi hain, क्या हमने कभी भी जो फिल्में बनी उन्हें कहा है कि ये एक मेल सेंट्रिक फिल्म है या ये एक डूड फ्लिक है? ये तो हम कभी नहीं कहते. तो अगर कोई ऐसी कहानी है जिसमें लड़कियां हैं तो उसे लेबल लगाने की क्या ज़रूरत है? ये कॉमेडी है, ये इसमें रोमांस है. हम एक अजीब सा नया जॉनर क्यों बनाएं औरतों के लिए? सो आई थिंक कि वो जो कैटेगरी है वो मिसलीडिंग भी होती है. ये कहानी सबके लिए दोस्ती की कहानी है एंड सबको आके देखना चाहिए. ये किसी खास तबके की कहानी नहीं है. मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, हम जब बात कर रहे हैं वो रिक्वेस्ट यू ऑल आल्सो नॉट टू स्पीक अनलेस यू ऑल वांट टू स्पीक. थैंक यू सोनम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सुरा. वेल द नेक्स्ट वन इज फॉर शिखा. शिखा, आई थिंक इट्स नॉट जस्ट द गर्ल्स हु आर एक्साइटेड. आई थिंक हम लड़कों को भी उतनी एक्साइटमेंट है मूवी देखने के लिए, क्योंकि हमें हमेशा वो एक यू नो व्हाट, हमें हमेशा रहा था कि यार ये हम लोग लड़के तो मस्ती जो करते हैं तो ये तो हमें बातें मालूम है यार, लेकिन ये लड़कियों के रूम में क्या बातें होती हैं इसके लिए, तो आई थिंक ये मिस्ट्री सॉल्व होने वाली है फाइनली. सो आई होप वी आर क्लोज टू दैट, लाइक वी विल बी एक्सपेक्टिंग दोस चैट्स. यू कैन एक्सपेक्ट दैट एंड मच मोर. एंड यू हैव जस्ट मेड आवर प्रोड्यूसर्स वेरी हैप्पी बाय सेइंग व्हाट यू हैव सेड. थैंक यू सो मच. सो विद दिस इट्स open for the media, so please go ahead. Let's just stick to the movie. ये क्या ये female empowerment की इस film है या क्या? आपने क्या कहा? I think ये निजी जिंदगी से बहुत ही similar है, पर अगर आप कहेंगे कि ये मतलब बहुत सालों बाद या आई थिंक पहली बार चार मेनस्ट्रीम हीरोइंस एक साथ एक फिल्म कर रही हैं, द वेरी फैक्ट दैट इज़ एम्पावरिंग इन इटसेल्फ. सब्जेक्ट ऐसा नहीं है, सब्जेक्ट इज़ फॉर रेगुलर वुमेन. यहाँ ये चार किरदार कोई लड़का भी कर सकता था. सो द वेरी फैक्ट दैट इज़ वॉट इट इज़ एम्पावरिंग इन इटसेल्फ. बट ये बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है. आई थिंक हर कोई इस कोई ना कोई किरदार से आइडेंटिफाई कर पाएगा, व्हिच इज व्हाट दिस फिल्म इज अबाउट. द नेक्स्ट वन प्लीज. यस, कैन वी प्लीज पुट आवर फोन्स ऑन साइलेंट और वाइब्रेशन मोड, थैंक यू. यस प्लीज. करीना तो रिलैक्स हो गई, लेकिन जो स्टार करीना है वेल आई हैव नो प्रेशर. आई है इनफैक्ट काफ़ी एक्साइटमेंट है, बिकॉज जैसे सोनम ने कहा कि पहली बार ऐसी एक फिल्म बन रही है. आई थिंक आई वेर यूज टू वर्किंग विद मेल एक्टर्स ऑपोजिट अस, बट दिस टाइम आई थिंक वेर अ ग्रुप ऑफ फोर गर्ल्स एंड आई एम वेटिंग टू सी द रिएक्शन ऑफ वॉट
my fans and the audiences will be ke how will they take to this kind of a film kyunki is film ki bhasha jo hai kafi alag hai is film ka jo the entire the concept of this film is I think one of its kind and I'm quite sure we're ready for this film and I'm very very positive Shikha haan ji my Hi. Question is to you Hi. aap isse pehle web series kar chuki hain aur ek bahut hi khane mein kya hai badi hi mazedar web series bahut bold topic pe thi wahi aap ek film lekar aayi hain jahan pe trailer hi bahut mazedar hai lekin kyunki ladkiyon ne kuch gaaliyan kya de di sare mein shor mach gaya do you feel that hamara jo web jo media hai ya internet hai wo बोल्डनेस के लिए तैयार है बट हमारी फिल्मों की ऑडियंस नहीं है या हमारी फिल्में उसके लिए तैयार नहीं है यू सी एक तो आई डोंट सी इट एज जो हमारी फिल्में जो हो रहा है जो लैंग्वेज यूज़ कर रही हैं लड़कियाँ और लड़के जो हमारी फिल्में लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं आई डोंट थिंक इट्स बोल्ड आई थिंक इट इज़ व्हाट एवरीबडी स्पीक्स राइट व्हेन यू आर विद योर फ्रेंड्स सो आई डोंट थिंक वी वर ट्राइंग टू डू एनी ऑफ दैट वी वर जस्ट ट्राइंग टू टेल अ स्टोरी विच वॉज वेरी रिलेटेबल एंड अबाउट फोर फ्रेंड्स एंड देयर लाइव्स नो माई क्वेश्चन इज दैट जब आप एक बड़ा टॉपिक वेब सीरीज पे लेके आती हैं दैट इज़ वेरी एक्सेप्टेबल किसी ने शोर नहीं मचाया और बहुत क्रिटिकली वो वेब सीरीज बहुत पसंद की गई लेकिन वहीं जब हम एक फिल्म में एक चार और दोस्तों की कहानी लाते हैं सडनली उसमें वो महिला एम्पावरमेंट जैसे अभी क्वेश्चन है आई डोंट अंडरस्टैंड इट्स जस्ट अ फिल्म ऑफ फोर फ्रेंड्स सो ये जो क्वेश्चन लेबलिंग हो रही है महिला एम्पावरमेंट और वेमेन एम्पावरमेंट की डू यू फील कि हमारी ऑडियंस फिल्मों में उसके लिए तैयार नहीं है वेब सीरीज में तैयार है आई थिंक मीडिया नहीं तैयार है इसलिए ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं ऑडियंस तैयार है आई एम सॉरी शिखा आई एम टेकिंग ओवर पर वेब सीरीज ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ कुछ कोई मतलब इट्स अ फ्री प्लेटफॉर्म वी डोंट हैव टू गो थ्रू एनी स्टेजेस ऑफ ट्राइंग टू गेट इट स्क्रीन्ड तो आई थिंक प्रॉब्लम उसमें है अगर वी हैड नो सेंसरशिप वी हैड फ्रीअर प्लेटफॉर्म टू पुट ऑन विच इज़ द वेब I think it would have been the same thing. Like I said, कि ये बहुत सालों बाद ऐसे आया हुआ है तो अगर जो हम आई मीन ऑडियंस तो ऑडियंस है जो आई मीन देर आर मोर पीपल विथ फोन्स देन देर आर पीपल गोइंग इन टू द सिनेमा तो आई थिंक वहाँ सबसे बड़ा ऑडियंस है बट वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन आई एम सो ग्लैड इट्स कमिंग फ्रॉम अ गर्ल सौरा मेरा अगला सवाल आपसे यहाँ पे हूँ मैंने सुना इस फिल्म में आपने पोल डांस भी किया है बहुत कुछ ऐसा किया जो शायद ज़्यादा ज़िंदगी में ना करो और फिल्म करने के बाद आप बीमार भी हो गई थी डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट करने के लिए भी कहा था तो हम जानना चाहते हैं कि कौन कौन से ऐसे काम आपने इस फिल्म में किए जो ज़्यादा ज़िंदगी में आप ना कर पाए और करते हुए आपको मज़ा भी आया देखिए मैम उन चीज़ों के लिए तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी सब कुछ जानने के लिए लेकिन मैंने पोल डांस करने की नाकाम कोशिश करी मुझे लगता है बेहतरीन पोल डांस आजकल जैकलिन कर रही हैं अपनी फिल्मों में बहुत ही पोल डांस एक बहुत फिटनेस चाहिए उसकी आई डोंट थिंक आई हैव दोस फिटनेस लेवल्स बट हाँ मैंने कई सारी ऐसी चीज़ें करी हैं इस फिल्म में जो पहले नहीं की जैसे एक अमीर किरदार करना क्योंकि आज तक मैंने हमेशा बहुत ही थोड़ा ज़मीनी किरदार निभाया है पहली बार मुझे एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी बनने का मौका मिल रहा था तो बहुत सारे फर्स्ट सेंस फिल्म में मेरे लिए एंड बहुत मज़ा आया बेड रेस्ट मुझे हाल ही में दूसरे शूट के दौरान रेकमेंड किया गया था एंड ऑफ कोर्स सोनम की शादी के बाद मेरी कमर टूट गई तो स्लिप डिस्क का अलग प्रॉब्लम चल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन इज या माई क्वेश्चन इज अपार्ट फ्रॉम द मूवी 28th मे इज मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे सो माई क्वेश्चन इज टू ऑल ऑफ यू सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट इन रूरल एरियाज देयर आर सो मेनी गर्ल्स हु हैज सोशल स्टिग्मा टिल नाउ I think menstrual hygiene is a very important concept that all of us should be aware of, unashamed of, not just girls. I think boys should also be sensitized because it's a very normal thing. And I think ki access to hygienic ways of you know dealing with menstruation, which is a normal thing, it should be a fundamental right to all women. And I think that I did a film called Padman. I suggest everybody go watch it. मैं इतना कह सकूँगी कि while filming the film मुझे बहुत सारे ऐसे you know चीज़ें पता चली कि almost 60% of women in our country don't have access to sanitary napkins or forms of
proper sanitation for, you know, during their period, and there's no awareness. Bahut sare aise cheeze hai, jaise they use ash or, you know, ghas or all of these things. So it's important to kind of have cheaper forms of like sanitary napkins or tampons or whatever they have to use, because that's more sanitary, or there are lots of diseases that, have, that can happen. Also attached to periods. There's nothing wrong with a woman getting her period, and there's nothing wrong with her, as doesn't make her any difference. So this is another form of sexism that we face in a country like India. And I'm so happy that Akshay Kumar, who is a self-proclaimed feminist and someone who really believes in kind of, you know, promoting it, and decided as a mainstream actor to do a film like Padman and kind of promote that. Thank you. We'll take last two questions. There's nothing wrong with it being a chick flick, but chick flick is a label that all films with women have been put into. So we won't call it an action comedy. We don't have genres when women are concerned. But where men are concerned, there are different genres. There's an action film, there's an action comedy, there's a dramatic film. But when women, there are females in a film, then it's automatically called a chick flick, whether it's a romantic comedy, whether it's a dramedy or anything. So that's why we just are shying away from labels and saying that we don't want to be put in a box. We don't want to be labeled. And that's what it is. It is a film for women and for men. It is a film about four friends. It is not necessarily a romantic comedy, which has been labeled a chick flick. So that's what my sister was saying. She was saying that I am not making a film for only chicks, which is a derogatory term for women anyway. But you have to watch the film in your sleepovers. Mein. Aap jaye aur dekhe na, sir. मेरा नाम काशिफ है, आई एम फ्रॉम 10 न्यूज. जैसा कि हम कहते हैं कि दोस्तों जब चार ये दोस्तों की कहानी है, और दोस्त जब मिलते हैं तो इसी तरह की बातें होती हैं, लेकिन जब उसी को हम फिल्मों पे देखते हैं तो हमारे अंदर का जो है मर्द या जाग जाता है और उसको मना करते हैं कि इस तरह की फिल्म. या फ्रॉम एवरी वन, इट्स ओपन क्वेश्चन, एनी वन वॉन्ट टू आंसर इट. जैसे दोस्तों की बात होती है, चार दोस्तों की कहानी है, तो दोस्तों की जब भी हम बात करते हैं तो वो इसी तरह से बातें करते हैं जब वो मिलते हैं तो. लेकिन जब उसी को हम लोग स्क्रीन पे देखते हैं तो हम थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाते हैं कि नहीं ये गलत है. सो डू यू थिंक अवर सोसाइटी इज रेडी फॉर सच काइंड ऑफ फिल्म्स? यार काशिफ जी जियो, मतलब आप जैसे जागरूक अगर और मर्द होते हमारे समाज में तो फिर तो क्या बात थी. आई थिंक आप ही हमारी तरफ से थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, जो लोग दुखी हैं हमारी भाषा से इस फिल्म में. आपके सवाल में ही आपका जवाब है. मुझे लगता है कि जिस तरीके से लड़के दोस्त होके जो बातें कर सकते हैं, जो उनका वाइब हो सकता है, वही लड़कियों का हो सकता है. ये और है भी करेक्ट, बिल्कुल असलियत में जो हमने दिखाने की कोशिश करी है. मुझे लगता है कहानियों के ऊपर हम ये सामाजिक आदर्श और जो मॉरेलिटी है उसका बोझ हम ना डालें. हम कहानियों के ऊपर एंटरटेनमेंट, एंगेजिंग होने का, ओरिजिनल होने का और एम्पथी जगाने का बोझ डालें, और उन सारे जो पैमाने हैं उस पर हमारी फिल्म खरी उतरती है, साथ ही साथ मज़ेदार भी है. और जो चार लड़कियां हैं, मुझे लगता है आपने एक सवाल पूछा था हरे चुन्नी में जो थी, कि आजकल शहरों जो शहरी लड़कियाँ हैं, जो काम भी करती हैं, जो सशक्त हैं, जो जागरूक हैं, वो जैसी भाषा उनकी जो लाइफस्टाइल है, उनकी जो भाषा है, उसको हमने उतारने की कोशिश करी है. मुझे लगता है बहुत सारे यंग वर्किंग लड़की और लड़के इन किरदारों से रिलेट करेंगे. और बाकी काशिफ जी शाबाश. क्या शाबाश, क्या शाबाश. आई एम वेरी इम्प्रेस्ड था कि ये जो क्वेश्चन जो दिल्ली में मिलते हैं, दिल्ली कि बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चंस आ गए. और आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि इतनी प्रोग्रेसिव थिंकिंग जर्नलिस्ट्स हैं यहाँ. आई एम वेरी वेरी हैप्पी. थैंक यू वेरी मच. 1st June 2018, गेट रेडी फॉर वीरेनी वेडिंग. थैंक यू सो मच.